Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This video will cover 5 most important tips that will help you make more money out of your Ezoic account. अगर तुम Ezoic पे already registered user हो, तो इस video के through तुम्हें मैं बताऊंगा वो 5 things that you have to implement on your Ezoic account to make more money out of it. हो सकता है इसमें से कुछ settings तुमने नहीं की भी हो, तो follow along with this tutorial because I will show you my screen. Take you step by step क्या क्या changes करने हैं. So let's get started. Let's hop onto my screen. Let's go to monetization tab then. Ezoic ads के अंदर आओगे. अब ये updated monetization tab है तुम्हारा. इसी के अंदर ad transparency के अंदर जाना. ऐड ट्रांसपेरेंसी के अंदर seller.json, इसमें आके ज़्यादातर लोगों ने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ होता है. इसमें आके अपना नेम या कोई भी अपनी डिटेल्स मेंशन कर देना और उसको कर लेना सेव. यहाँ हाइड माई सेल्फ सेलर इन्फो पे तुम क्लिक कर सकते हो ताकि तुम्हारा जो भी ये नाम है ये मेंशन ना हो. यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से नुकसान क्या होता है कि बहुत सी ऐड प्लेसमेंट्स तुम्हें मिलती ही नहीं है. बहुत से ऐड स्लॉट्स ऐसे होते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही अननोन पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहते, तो ये एम्प्टी होने की वजह से वो प्लेसमेंट्स चली जाती हैं. तो सबसे पहले तो ये seller.json अपना ऑन कर लो. सेकंड स्टेप तुम लोगों के लिए होगा एडसेंस को एज अ मीडिएशन पार्टनर ऐड करना. एडसेंस को एज अ मीडिएशन पार्टनर ऐड करने के लिए एडसेंस के ऊपर क्लिक करोगे. यहाँ पे मीडिएशन अगर डिसेबल्ड है तो यहाँ पे इनेबल का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना. उसके बाद नीचे देखो मेरा एडसेंस अभी मीडिएशन में इनेबल्ड है. तुम्हारा अगर नहीं है तो क्या करोगे, हेडर बिडिंग मीडिएशन पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाके तुम टाइप करोगे एडसेंस. जैसे ही एडसेंस टाइप करोगे तुम्हारा आ जाएगा. मेरे पास यहाँ पे भी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्रूव करा लिया. अब जैसे ये नेटवर्क्स आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एंड नेटवर्क पे मैं क्लिक करूँगा. इसी तरीके से तुम एडसेंस के लिए करोगे. यहाँ पे अपनी एडसेंस की पब्लिशर आईडी डालोगे, उसको नेक्स्ट करोगे और ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा. 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारी एडसेंस मीडिएशन आ जाएगी. अगर एडसेंस मीडिएशन ऑन नहीं की भी, एडसेंस मीडिएशन का मतलब सिंपली ये होता है कॉम्पीट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो. मिसाल के तौर पर तुम्हारी हेडर की प्लेस लोकेशन है ऐड की. अब एडसेंस अगर उस पर ज़्यादा बिट करता है वंस इन अ ब्लू मून किसी दिन किसी ऐड की लोकेशन की वजह से, तो Ezoic क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे एडसेंस को एक ऐड को वहाँ पे चलने देगा और खुद वहाँ पे अपना ऐड नहीं लगाएगा. दिस मेक्स यू मोर मनी क्योंकि Ezoic ने ज़्यादा महंगे ऐड को वहाँ पे चलने दिया. और Ezoic का पूरा काम ही यही है भाई, वो AI पे चल रहा है, सबसे ज़्यादा बिट करने वाले को वो सबसे ज़्यादा ऐड स्लॉट लोकेशंस अलॉट कर देता है. तो दिस इज़ हाउ यू मेक मोर मनी थ्रू एडसेंस मीडिएशन. चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें कुछ टाइप ऑफ एड्स ना रिमूव कर देना है, बंद कर देना है. किस तरीके से करना है मैं तुम्हें बताता हूँ. एड्स के ऐड पोजीशंस के अंदर आओगे, ठीक है, ऐड टाइप्स के अंदर आओगे. ऐड टाइप्स पे आने के बाद ये विग्नेट एड्स, इनको ना बिल्कुल बंद कर दो. ये होते क्या हैं, दीज आर द पॉपअप एड्स दैट अपेयर इन बिटवीन द पेज लोडिंग लोड टाइम. तो क्या होता है कि किसी लिंक पे अगर तुम्हारा व्यूअर क्लिक करेगा तो ये बीच में ऐड चलना शुरू हो जाएंगे. अब उससे होगा क्या कि यूज़र फौरन इरिटेट हो जाता है यार कि कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है और तुम उसको ऐड पहले दिखा रहे हो, तो इट्स सो इरिटेटिंग कि तुम्हारा बाउंस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसको तो पहली फुर्सत में बंद कर दो. मोबाइल के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए भी, इनको इन बिटवीन एड्स जो चल रहे होते हैं इनको तो बिल्कुल ही बंद कर दो. ऑटो इंसर्ट एड्स के अंदर तुमने AI प्लेस होल्डर्स को ऑन रखना है. अगर तुमने AI प्लेस होल्डर्स बंद करे हैं, AI प्लेस होल्डर्स को भी ऑन करो, इनहेंस्ड प्लेस होल्डर्स को भी ऑन कर लो. उसके बाद एंकर एड्स के अंदर आओ, यहाँ पे भी एंकर एड्स सारे ऑन रखने हैं. स्टिकी साइड बार एड्स यस ऑन रखने हैं. फ्लोटिंग वीडियो, अच्छा अगर तुम Ezoic वीडियो एड्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो लाजमी करना शुरू कर दो. ल्यूमिन 5 एक बेसिक सा टूल है, वहाँ पे जाके तुमने आर्टिकल अपना ऐड करना है. उस आर्टिकल के थ्रू तुम एक वीडियो बनाओगे, छोटा सा ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लेना. आगे मेरे कंटेंट स्केड्यूल में है कि मैं तुम्हें ल्यूमिन 5 से भी वीडियोस बनाने सिखाऊं, ताकि तुम Ezoic से उसको भी मोनेटाइज करके उससे भी पैसे बनाओ. खैर लेकिन अभी तुम फॉर द टाइमिंग अगर अभी देख रहे हो इस वीडियो को, तो तुम ल्यूमिन 5 से अपने कुछ आर्टिकल्स को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर लो और उसको Ezoic वीडियो एड्स के अंदर इंसर्ट करो. बहुत सिंपल तरीकेकार है. करोगे कैसे, सिंपली तुमने जाना है Ezoic ह्यूमिक्स करके एक टूल है Ezoic का ही. ह्यूमिक्स क्या करता है, वो वीडियोस के ऊपर ना आपको पैसे कमा के दे रहा होता है. अब देखो ये मेरी समझ लो एक ऑलमोस्ट डेड वेबसाइट है, आजकल ये इतना काम नहीं कर रही है, इस पर मैंने एड्स भी कम लगाए हैं. तो इस पर मैंने 4 आर्टिकल्स को ना डाल दिया था इस पर ऐसे ही वीडियो में कन्वर्ट करके, तो इन्होंने $4 एक्स्ट्रा बना के दिए हैं मुझे लास्ट 30 डेज के अंदर.
तो सिंपल सा है, यहाँ पे आके मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे टाइटल डालूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा और यहाँ पे सिंपली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल जाएगी एज़ोइक एड्स के थ्रू, जो कि वीडियो चल रही होती है। वीडियो किस तरीके से चल रही होती है मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। रेफरेंस के लिए तुम चले जाओ गो डाउन साइज पे, लेकिन अभी मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए एक दिखा रहा हूँ। अब देखो जैसे ये आर्टिकल है इस पे आए, ये लेटेस्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे वीडियो ऐड चल रहा है। जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा ये फ्लोटिंग में ये ऐड चलने शुरू हो जाएगा। अब ये इन एड्स के भी ना पैसे मिलते हैं और ये एक्स्ट्रा है। तो अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग एज़ोइक वीडियो एड्स एट द मोमेंट टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, तो यू आर सिंपली लीविंग द मनी एट द टेबल। तुम सारा पैसा अपने टेबल पे खुद छोड़ के जा रहे हो, जो पैसा तुम्हें अभी ही से मिलना चाहिए। तो एज़ोइक वीडियो एड्स लाजमी यूज करो, उस पर जाके सिंपली यूज करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ टिप नाउ। अपने प्लेस होल्डर्स देखो, प्लेस होल्डर तुमने एक पेज पे कितने लगाए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक पेज के ऊपर अगर आपका 1200 वर्ड्स का 750 टू 1200 वर्ड्स का एक ब्लॉग है ना, तो उस पर एटलीस्ट 8 टू 12 प्लेस होल्डर्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा हों एज़ोइक के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिकली AI टेस्ट कर लेता है कि कौन सी लोकेशन पर ऐड दिखाना है और कौन सी लोकेशन पर ऐड नहीं दिखाना है। इससे मत डरो कि तो बहुत ज़्यादा ऐड वो दिखाने लग जाएगा, शुरू के 2-3 हफ्ते के अंदर वो इनफ टेस्टिंग कर लेता है और 4th वीक से ऐड प्लेसमेंट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर यू क्रिएटेड एटलीस्ट 15-20 प्लेस होल्डर्स ऑन एज़ोइक। प्लेसमेंट का तरीकेकार कुछ इस तरीके से होगा, हर जो टॉप शुरू के 4 पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ के नीचे डालोगे, टाइटल के ऊपर, टाइटल के नीचे, हर जगह पे डालोगे, हर टाइटल के ऊपर और नीचे डाल देना, हर पिक्चर के ऊपर और नीचे प्लेस होल्डर बना लेना। अब पिक्चर के ऊपर भी बना रहे हो, नीचे भी बना रहे हो, वो खुद एज़ोइक चेक कर लेगा कि पिक्चर के ऊपर ऐड दिखाने पे ज़्यादा ऐड रेवेन्यू आ रहा है या नीचे दिखाने पे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो ऐड डेंसिटी वो खुद टेस्ट आउट करके निकाल लेगा। तुम्हारा काम है मैक्सिमम प्लेस होल्डर्स बना लेना, तो भाई वो कर लेना, अपने एंड का तुम सारा काम कर लो एंड लेट द AI डू इट्स जॉब। अगर तुम्हें एज़ोइक प्रीमियम की ईमेल आ गई है तो भाई एज़ोइक प्रीमियम लाजमी ज्वाइन कर लो, उससे लाजमी फायदा होता है। तुम उनका कोई भी पैकेज यूज करोगे ना, हर पैकेज पे बेनिफिट होता है। अब एज़ोइक वाले करते क्या है कि एज़ोइक प्रीमियम के ऊपर वो बोलते हैं, अगर हम आपसे मिसाल के तौर पे सबसे बेसिक उनका $20 का जैसे सब्सक्रिप्शन है, $20 हम आपसे लेंगे, लेकिन आपको प्रीमियम एड्स के थ्रू $35 या $40 तक आपका ब्लॉग कमा रहा होगा, मतलब जो तुमने पे किया है ना उससे तो ज़्यादा ही कमा रहा होगा। अच्छा, जो प्रीमियम में तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलने हैं वो तो मिल ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हें इन जनरल बता रहा हूँ कि प्रीमियम लगाने के बाद से मेरी वेबसाइट के ऊपर जो मेरे एज़ोइक एड्स का EPMV था वो भी बढ़ चुका है। यह मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो EPMV पे जो तुम्हारा जेनेरिक एज़ोइक एड्स वाला था उस पर भी फ़र्क पड़ता है, ये मेरे एक्सपीरियंस में। ऑल्दो इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने एज़ोइक की नहीं देखी है, but it does impact the ordinary EPMV on your previous ads as well. तो इससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है और बेसिकली फ़ायदे में ही आता है, पैसे सारे रिकवर हो जाते हैं, लॉस 0% होता है। तो एज़ोइक प्रीमियम की अगर ईमेल आ गई है तो पकड़ लो पहली फुर्सत में, ये कर लो लाजमी। एक मैं तुम्हें बोनस टिप दे देता हूँ, अगर तुमने नहीं किया हुआ तो ये ज़रूर कवर कर लो। अपने जो करंट आर्टिकल्स हैंगे ना उनको गो थ्रू करते हुए ये देखो कि कोई भी पैराग्राफ 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स स्वैप करो, और जो फजूल अगर तुमने कंटेंट लिखा हुआ है ना जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को इरिटेटिंग बना रहा है वो सब वहाँ से रिमूव कर दो, कचरा सारा रिमूव करो, आर्टिकल थोड़ा सा क्लीन बनाओ और ज़्यादा पैरा स्विचिंग करो। हर 1-2 सेंटेंस के बाद कोशिश करो कि नए आइडिया पे बात करो और नए पैराग्राफ में भी मूव कर जाओ। बहुत लंबे लंबे ना तुम्हें दास्तानी नहीं लिखनी है, 6-7 सेंटेंसेस का अगर तुम पैराग्राफ लिख रहे हो तो दिस इज़ आवर बैड प्रैक्टिस। तो उसको तुम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो तो तुम्हारे अर्निंग्स में फ़र्क आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम पैराग्राफ स्विचिंग करोगे उतनी ज़्यादा एड स्लॉट्स भी मिलेंगे और यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा, स्किमिंग एक्सपीरियंस बेसिकली उससे बेहतर हो जाएगा, यूज़र के लिए भी आसानी और तुम्हारे लिए पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्यों भाई इतना लंबा लिख रहे हो। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू साइड हसल्स और ब्लॉगिंग के अंदर कि कुछ लोगों को ट्रेन कर दिया जाए विद माय ओन लिमिटेड एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा। तो इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी, क्योंकि हम रोज़ एक नई वीडियो एटलीस्ट ज़रूर डाल रहे होते हैं ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग एंड साइड हसल से रिलेटेड। सो डू ज्वाइन अस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।